दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय निम्बस अकेडमी फॉर IAS चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और पूजा अर्चना करने के बाद मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत चर्चित पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को कांग्रेस के दबाव में सरकार ने स्वीकार तो कर लिया है, परंतु शीघ्र ही इसमें दोषी पाए जाने वाले लोग बेनकाब होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा मिशन रिपीट की बात कर रही है, परंतु उनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता में इस सरकार के खिलाफ काफी रोष देखा जा रहा है और प्रदेश की जनता हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री के कानों तक की आवाज़ पहुँचाने की प्रयास किया, क्योंकि CBI की जांच की इंक्वायरी की हमने मांग की थी और CBI तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है और हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री जिस दिन शिमला आए इसके बारे में कुछ वर्णन करते और लोगों को आश्वासन देते कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाएगी, तो उन्होंने इसको नज़रअंदाज किया। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है जिसके बारे में हम लड़ाई निरंतर लड़ते रहेंगे और ये चाहेंगे कि CBI के ऊपर इतना दबाव डाला जाए कि ताकि वो ठीक तरह से इसकी जांच करे और इसमें जो दोषी पाए जाए उनको दंडित करें। हमारी पार्टी भी रात दिन कार्यरत है और हम अवश्य इस कॉरपोरेशन के इलेक्शन को भी जीत हासिल करेंगे। समय मैम, आप पूरे हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रही हैं, क्या जो है वो हालात दस्तूर देख रही हैं कांग्रेस के पूरे प्रदेश में? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की आस्था है, इस पार्टी BJP से भी बहुत निराश है क्योंकि इन्होंने कुछ भी 5 सालों में नहीं किया। लोग चाहते हैं कि दोबारा कांग्रेस को मौका दें, दोबारा कांग्रेस को सत्ता में। दिव्य हिमाचल TV के लिए ज्वालामुखी से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता।